मजाक खुदा से बातें करता था वो। तो उन्होंने जब ये ऑफर दिया आपको, तो आपके जहन में सबसे पहली पहला ख्याल क्या आया? सबसे पहला ख्याल तो ये कि उस वक्त मैं डरता था गालिब से। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है गालिब का। इसके पहले ही मैंने गालिब गाया। सीरियल से पहले भी आपने गाया? हाँ, पहले गालिब गाया। मैंने कई कई रिकॉर्डों में मेरी गजलें हैं, जैसे चित्रा ने गजल गाई कब से हूँ क्या बताऊँ जहाँ ने खराब में, और एक मैंने वो गाई थी फिर कुछ उस दिल को बेकरारी है, और एक थी वो मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ भी ना सकूं। हाँ जी जी, ये सब सीरियल से पहले। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, ये फिल्में गाई हैं हमने, लेकिन उस वक्त इतनी फेमस नहीं हुई, इतनी मकबूल नहीं हुई। मकबूल तो खैर गालिब हमेशा मकबूल ही रहा है, लेकिन हम आम आदमी तक नहीं पहुंच सके, हम नहीं पहुंच सके। सीरियल से ये फायदा हुआ, थोड़ा घबराया था मैं, कभी मुश्किल है ना पोएट्री गालिब को निभाना, बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन वो कुछ एक्सटेम्पोर रिकॉर्डिंग हुई, सेट पे ही हम धुन बनाते थे, उस वक्त सिचुएशन डिस्कस की जाती थी पूरी, क्या सीन होगा, क्या होगा, कौन सी गजल कैसे आएगी, तो वो पूरा मूड जो है ना वो म्यूजिक में आता था। और मैंने कोशिश ये थी की थी उसमें कि गालिब, मैं गालिब बन के गाऊं, मैं जगजीत से बन के ना गाऊं। हाँ जी। ताकि वो जो गजलें जो रिकॉर्ड हों जी, उसमें ऐसा ना हो कि मेरी मैं अपनी गायकी शो कर रहा हूँ या मैं अपनी कुछ म्यूजिक ऑफ नॉलेज को इम्पोज किए जा रहा हूँ। बनेंगे अब के बरस भी कमाल के किससे, बनेंगे अब के बरस भी कमाल के, पिछला बरस गया है कलेजा निकाल के, तुमको नया ये साल मुबारक हो दोस्तो, तुमको नया ये साल मुबारक हो दोस्तो, मैं जख्म गिन रहा हूँ अभी पिछले साल के, मैं जख्म गिन रहा हूँ अभी पिछले साल के। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं अभी टॉप पे हो गया हूँ, आ गया हूँ, या बहुत मैंने 30 मार्का बन गया हूँ, तो गलत है। जगजीत जी, आप उस समय सफलता की सीढ़ियां लांग रहे थे जिस समय लोग फिल्मी म्यूजिक के सिवा और कुछ भी नहीं सोचते थे। हाँ, आपका मतलब यह है 50s में जब हमने अडॉप्ट किया है म्यूजिक एज ए करियर, मैंने सोचा कि म्यूजिक को करियर बनाया जाए, तो उस वक्त दो तरह का म्यूजिक था हमारे यहाँ, एक क्लासिकल म्यूजिक और एक फिल्म म्यूजिक। बाकी इन बिटवीन जो ये नॉन फिल्म म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था, थोड़े बहुत आर्टिस्ट थे लेकिन ना होने के बराबर थे, और मोनोपोली भी थी उस वक्त, मीडिया भी नहीं था इतना, सिर्फ रेडियो था, टीवी टेलीविजन भी नहीं आया था, और रिकॉर्डिंग कंपनी भी एक ही थी HMV, तो एक्सपोजर भी नहीं मिलता था, और प्रमोशन क्योंकि ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती हैं क्लासिकल की, तो क्लासिकल आर्टिस्टों का प्रमोशन ऑटोमेटिकली थ्रू कॉन्सर्ट्स हो जाता है, और फिल्मों के थ्रू जो है फिल्मी गानों का प्रमोशन हो जाता था, तो वो बेचना कंपनी के लिए इजी रहता था। अच्छा। इसलिए तीसरे तरह का कोई म्यूजिक था ही नहीं। तो धीरे धीरे रेडियो के थ्रू कॉन्सर्ट के थ्रू जो है नॉन फिल्म म्यूजिक पॉपुलर होना शुरू हुआ है। इस सीन पे पहले बेगम अख्तर हमारी आई थी और उन्होंने पॉपुलर किया है गजल फॉर्म को, फिर पाकिस्तान के मेहंदी हसन आए, उनकी काफ़ी तारीफ हुई, उन काफ़ी पॉपुलर हुए, फिर देखा देखी में हमारे यहाँ जैसे कई आर्टिस्ट शुरू हो गए उसको देखा देखी में, तो ये फॉर्मेट जो है पॉपुलर हुआ। यानी कि जब बात निकली तो बहुत दूर तक गई। बात निकलने में 10 साल लगे हमें, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था प्रोफेशन बनाया म्यूजिक को, तो 10 साल के बाद पहला मेरा जो LP जिसको है ना लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड। सर, बेगम अख्तर के बाद भारत में अगर किसी ने गजल गायकी को संभाला तो वो आप थे, तो ये रुझान कैसे हुआ? मैंने संभाला है? बिल्कुल। रुझान का ऐसा है कि वो जिस एटमॉस्फेयर में हम बड़े हुए हैं, जैसा माहौल है, एक तो उस वक्त चारों तरफ जो म्यूजिक का जो माहौल था, वो फिल्मी गाने जो उस वक्त बनते थे ना, वो पूरे गजल फॉर्म पे देखे थे। आप देखें 50s के आप गाने उठा के देखिए, जितने भी हैं मदन मोहन के, रोशन के, नौशाद साहब के, जितने फिल्मों के गाने हैं 90% गजल बेस हैं,
जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, दिस ऑल गजल मीटर, द गजल फॉर्म है, पूरा एक मतला होगा फिर शेर होंगे, तो इसलिए इस फॉर्म की तरफ हमारा रुझान शुरू हुआ। तो आपने आपने जब अपनी गजलों को इतना पॉपुलर बनाया, कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपको अपने आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है इसको पॉपुलर बनाने में? नहीं, गाना पड़ती है कई बार स्टेज पे, क्योंकि क्या है कि जबान अब नहीं रही ना उर्दू, पहले तो हमारे जमाने में तक थी, क्योंकि मैंने भी जो पहली दो क्लास उर्दू में पढ़ी है तो वहां तक रही, उसके बाद जो आपकी जो पनीरी है आप लोग हैं, आप लोगों ने अभी आप देखिए इखलाक हुसैन आप उर्दू नहीं लिखते हैं ठीक है ना, तो आपने नहीं पढ़ी उर्दू, तो धीरे धीरे जो जुबान जो है वो कम होती गई है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखना पड़ता है ताकि सुनने वालों को जुबान समझ आ जाए, इसलिए कई बार थोड़ी सी हल्की फुल्की, मतलब ये नहीं कि चीप गजलें हो, जबान हल्की हो, जैसे निदा लिखते हैं सादा जबान में लेकिन अच्छी बात लिखते हैं। लेकिन कई गायक हैं जो शबाब और शराब में उलझ के ले गए, वो तो अपनी अपनी अप्रोच है, अपना अपना टेस्ट होता है। लेटेस्ट जोक आप स्टेज पे आजकल क्या सुनाया करते हैं? आजकल जोक की जरूरत नहीं पड़ती तो बोल दीजिए। नहीं, अभी क्या है कि अभी मेरी लोगों ने गजलें सुननी शुरू कर दी है जो सुनाया जाता है जब गजल नहीं सुनी।